10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत 13 सितंबर से होगी। इस दौरान घर घर मंगल मूर्ति विराजेंगे। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत 13 सितंबर से होगी। पहले दिन घर घर और पंडालों में विघ्नहर्ता गणेश की प्रतिमा विराजित की जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक गणेश की जन्म काल मध्याह्न में माना गया है। इसको देखते हुए गणेश स्थापना का समय सुबह 11:10 से दोपहर 1:30 तक समय श्रेष्ठ रहेगा। इस समय में विधि विधान से गणेश जी की स्थापना करें। ज्योतिषाचार्य पंडित अजय व्यास ने बताया कि गणेश चतुर्थी का गुरुवार को आना श्रेष्ठ है, यही सभी के लिए मंगलकारी है। वक्रतुंड महाकाय सुरु कोटि समर प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा सत्सिद्ध विनायक गजानंद गणपति महाराज प्रतिवर्षानुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्मकाल जन्म मुहूर्त के रूप में प्रतिवर्षानुसार पर्व मनाया जाता है। क्योंकि इस वर्ष 13 सितंबर 2018 को गणेश चतुर्थी गुरुवार के दिन प्रारंभ मुहूर्त के रूप में अगर हम देखें तो 11:08 से 12:01:35 तक शुभ मुहूर्त माना जाएगा, जो प्रथम पूज्य गणेश जी का मध्याह्न में जन्म के रूप में माना जाता है। इस गणेश उत्सव में विशेष रूप से इस बार गुरुवार के दिन जो गणेश जी का चतुर्थी का दिन आना विशेष रूप से शुभ माना गया है, जो इस रूप में माने गए हैं। और मुहूर्त की अगर हम बात करें तो हम गणेश जी का जब कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं तो प्रथम पूज्य गणेश जी के दिन से ही आरंभ करते हैं। मंगल कार्य भी हम आरंभ करते हैं तो गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में ही आरंभ रूप में मानते आए हैं। तो विशेष रूप से श्रेष्ठ मुहूर्त गणेश जी का जो माना जाएगा वो 11:08 से 1:30 के रूप में माना जाएगा। और पूजा विधि के रूप में गणेश जी की स्थापना करने से पहले भूमि पर अक्षत्र रखें, लाल सफ़ेद कपड़े वस्त्र रख के उन पर चावल रखना चाहिए, गणेश जी की स्थापना करना चाहिए। उस दाई हाथ पे कलश रखना चाहिए जो स्वस्तिक और सपरिवार के रूप में कलश की विशेष रूप से महत्व माना जाता है। और साथ में दीप प्रज्वलित करके ने भगवान की गणेश जी की पूजा आरम्भ करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश सर्व दुखों को नाश करने वाले हैं और सर्व सुख देने वाले हैं। भक्ति भाव से आराधना इस दिन प्रारंभ करना चाहिए। जय श्री गणेश। लोगों के मन में रहता है कि गणेश जी की किस दिशा में सूंड हो, तो प्रतिष्ठान में किस दिशा में होना चाहिए और घरों में किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, प्रतिष्ठा में हम देवताओं के जो वास्तु का नियम अनुसार हम देवताओं का स्थान ईशान में माना गया है, तो भगवान श्री गणेश की स्थापना हमेशा पूर्व और उत्तर के स्थान में ही रखनी चाहिए, जो ईशान कोण के रूप में माने गए हैं। साथ में जो कई लोग संशय बना हुआ रहता है कि गणेश जी की सूंड किधर की साइड रहनी चाहिए, जब भी हम गणेश जी को हम लाएँ या गणेश जी की स्थापना करते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए गणेश जी के हाथ में लड्डू किस साइड है। हम हमेशा खाना खाते हैं, जो भी आहार ग्रहण करते हैं तो हमेशा हमारा मुख उस हाथ की तरफ ही जाता है जिस हाथ से हम खाना खाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं हो कि सीधे हाथ में ही लड्डू होना चाहिए, ये कंपलसरी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी सूंड किस हाथ की तरफ जा रही है। जिस हाथ में लड्डू हो उस साइड अगर सूंड जा रही हो तो वह गणेश जी विशेष रूप से शुभ फल